स्वागत है आपका 7i न्यूज में और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास हेडलाइंस पर। नववर्ष की सुरक्षा को लेकर डीआईजी धर्मेंद्र चौधरी ने ली बैठक, सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। सिवनी मालवा में ठंड से परेशान किसान, पाले से फसलें झुलसी। मंदसौर मंडी में प्याज बेचने गए किसान की तबीयत बिगड़ी, इलाज के दौरान हुई मौत। और रतलाम पुलिस ने हत्या के मामले में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, मामूली विवाद को लेकर की थी इमराज की हत्या। और आइए बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर। नववर्ष के आगमन को लेकर डीआईजी धर्मेंद्र चौधरी ने सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम में बैठक ली। इस बैठक में होटल और लॉन संचालक भी उपस्थित रहे। डीआईजी ने सभी होटल और पब संचालकों को होटल में शराब जुआ के उपयोग न करने की हिदायत दी और कहा कि अगर कोई 31 दिसंबर की रात नियम का उल्लंघन करता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, डीआईजी ने 31 दिसंबर साल के अंतिम दिन कड़ी चेकिंग अभियान पर जोर दिया। नववर्ष को लेकर जो 31 दिसंबर को हमारी सुरक्षा इंतजाम रहेगा, इसके लिए हमने सारे पुलिस अधिकारियों को यहाँ बुलवाया था। इसके पहले जितने होटल और लॉन में आयोजन होना है उनकी मीटिंग भी हमारे पुलिस अधीक्षक और एडिशनल एसपी द्वारा ली गई और उनसे उनकी समस्याएं जानी, उनको सुरक्षा के संबंध में व्यापक निर्देश दिए गए और किस तरह से वो इंतजाम करें और पुलिस का क्या सहयोग रहेगा इसके बारे में बताया गया। इसके अतिरिक्त हमने आज सभी थाना प्रभारी और सीएसपी विशेषकर जो उस क्षेत्र में जहां पर ज्यादा कार्यक्रम होते हैं उन लोगों को विशेष निर्देश दिए गए। हमारी सुरक्षा की व्यापक प्रबंध किए गए हैं। रात्रि 8 बजे से रात्रि 2 बजे तक तो स्पेशल चेकिंग और पेट्रोलिंग रहेगी। इसके अतिरिक्त 12 बजे से 6 बजे तक हमारी गश्त भी रहेगी सारा क्षेत्र में और प्रातः गश्त भी हमारी ज्यादा रहेगी। जो 8 से 2 में हमारी चेकिंग है उसमें हर थानों में एक्स्ट्रा मोबाइल लगाई गई हैं। जिन थाना क्षेत्र में ज्यादा प्रोग्राम होते हैं वहाँ ज्यादा 2 या 3 मोबाइलें भी बनाई गई है। सांसद से मुख्यमंत्री तक का सफर तय करके प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद 30 दिसंबर को कमलनाथ अपने गृह नगर छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और जनता ने कमलनाथ का भव्य स्वागत किया। इस दौरान कमलनाथ के स्वागत में एक रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छिंदवाड़ा की जनता और कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ का स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जनता का आभार व्यक्त किया। यहाँ उम्मीदवार बन के आया था, मैं सांसद बन के आया हूँ, मैं मंत्री केंद्र मंत्री बन के आया जी, और आज मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन के आया हूँ। मैं छिंदवाड़ा के हर मतदाता का, पूरी जनता का प्रतिनिधि हूँ। सर दिल के बेहद करीब है छिंदवाड़ा जी, छिंदवाड़ा का मोबाइल हमेशा रहा है सर, थोड़ा सा हाथ नीचे कर लीजिएगा। छिंदवाड़ा के ये परिणाम आते हैं। रतलाम पुलिस ने अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने पाकिजा शोरूम के समीप इमराज की हत्या के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें जबकि 1 आरोपी फरार है। पुलिस के मुताबिक मामूली विवाद को लेकर आरोपियों ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी थी, जिसके चलते आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताएं एक रात मर्डर हुआ है, क्या आरोपी है, किसका मर्डर हुआ था, कैसे किया? ये 27 और 28 तारीख की दरमियानी रात लगभग 12 बजे की घटना है, जिसमें 3 साथी लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर रेलवे स्टेशन चाय पीने जा रहे थे, जिसमें मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहे थे अफजल, पीछे उनके बैठे थे इफराज और लास्ट में नाहरू। तो इसमें इनका कहना ये था कि साहब जब ये वाहन चलाकर घोड़ा चौराहे से आगे बढ़े, तभी अन्य 2 मोटरसाइकिलों पर सवार लोग जो कि रोड क्रॉस कर रहे थे, उनके रोड क्रॉस करते वक्त इनकी गाड़ी थोड़ी लड़खड़ाई, जिसको लेकर थोड़ा विवाद की स्थिति पैदा हुई, लेकिन फिर भी ये आगे निकल गए। बाद में फिर जो 2 अन्य मोटरसाइकिलों पे सवार आरोपी लोग थे, इन लोगों ने इनको आवाज़ दे के बुलाया और फिर वहाँ इनकी हटटॉक हुई, जिसमें जो 5 आरोपी लोग थे उनमें से एक व्यक्ति जो कि आकाश जैन नाम से है, उसने चाकू निकाल कर जो बीच में बैठा हुआ व्यक्ति था इफराज, उस पर हमला किया, जिसमें उसको 3 जगह चाकू की वार से चोट आई है, जिससे उसको जब उसके साथियों ने अस्पताल ले गए तो वहाँ पर डॉक्टर ने उसको मृत घोषित किया है
और मामला काफ़ी गंभीर था। इसको देखते हुए हम लोगों ने एक टीम गठन किया था एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में। इसमें तत्परता से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जो 5 आरोपी थे उनमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया है। और जो 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनका नाम नितिन जैन, आकाश जैन, हिमांशु व्यास और राकेश सिंगाड़। एक अन्य साथी इनका जो कि गोलू उर्फ अजय सोलंकी है वो अभी तक फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं हम लोग। इसमें बताना चाहूँगा घटना के टाइम पर जो आरोपी पक्ष है और फरियादी पक्ष ये आपस में एक दूसरे को जानते नहीं हैं। इनका पूर्व का किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, इसलिए ये केस और भी कॉम्प्लिकेटेड था। लेकिन इसमें CSP साहब, एडिशनल SP साहब, इन लोगों ने साइबर सेल की मदद से इतने खतरनाक आरोपी हैं, क्या अपराधी हैं कि थोड़ी सी बात पर लेके मर्डर कर दिया सीधा? नहीं, इनके आपराधिक रिकॉर्ड देखा जाए तो 323 टाइप के मामले हैं। लेकिन ये जरूर बताना चाहूँगा कि ये सभी नई उम्र के हैं। अगर आप देखेंगे तो इनका उम्र 18 साल, 19 साल, 20 साल, 19-20 साल के ही लड़के हैं ये। तो ये बात जरूर है कि इनका जो पुराना ऐसा कोई बहुत बड़े अपराधी तो नहीं है, लेकिन जरूर नई उम्र के होने के नाते और ऐसी संगत है इनकी, क्योंकि ये सब देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई वाले नहीं है। ये सब कोई चाय की दुकान पर काम करता है, कोई आटा चक्की में काम करता है, इस तरह के लोग हैं। और उस वक्त जो गाली गलौज की परिस्थिति बनी उसमें आकाश जैन ने चाकू मार दिया, जिससे दुफराज की मौके पर ही मृत्यु हो गई। तो इसमें जो गोलू और अजय सोलंकी फरार है इसका देखा जाए तो जरूर इसके ऊपर एक पूर्व में 307 का मामला पंजीबद्ध है। सतना में यातायात सुरक्षा को लेकर ट्रैफिक सूबेदार चौधरी ने लोगों को नियमों के बारे में जागरूक किया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा और नागरिक मौजूद थे। उन्होंने कहा कि समाज में बदलाव लाना संभव है, साथ ही लोगों को यातायात से संबंधित पैम्पलेट भी बांटे गए। रॉबिनहुड आर्मी के सदस्यों द्वारा इस अवसर पर लोगों को रॉबिनहुड आर्मी के मुख्य उद्देश्य समाज में जीवन जीने के तरीकों के बारे में भी बताया। ये इधर ये नुक्कड़ नाटक क्या, आप क्या कर रहे हैं इधर? एक्चुअली हम लोगों ने 30 घंटे का ड्राइव प्लान किया था 29 और 30 को। हम लोग इस 2018 को एक अच्छे नोट पे खत्म करना चाहते थे, जिससे जितनी भी एक्टिविटीज हम पूरे थ्रू आउट द ईयर करते हैं वो सारी एक्टिविटीज को एक साथ प्लान करके इन 2 दिन के अंदर 30 घंटे लगातार काम करके हमने प्लान किया। इसमें हम लोगों ने सारी जो सोसाइटी के ऑर्फनेजेस हो गए, लाइन स्कूल हो गया, ओल्ड एज होम हो गया, उसके बाद हम लोगों ने रोड साइडर्स को क्लोथ डिस्ट्रीब्यूट किया, फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया, इवन ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए 2 ड्राइव्स की गलो, एक हम लोगों ने एक ड्राइव की थी बोर्ड ऑफिस स्क्वायर पे, एक आज रोशनपुरा स्क्वायर पे की। तो इसके थ्रू हम जनता को एक ही चीज़ बताना चाहते हैं कि हम इस चीज़ के लिए काम करते हैं कि जहाँ पे भी अगर खाना वेस्ट होता है, आपके यहाँ सरप्लस फूड है, तो वो खाना वहाँ से लेके वहाँ तक पहुँचाते हैं जहाँ पे उस खाने की नीड है, और उसी के साथ में हम लोग उस खाने की वेस्टेज को अवॉइड करते हैं। जो खाना आपके यहाँ वेस्ट हो जाता है शादी और फंक्शन में, वो खाना वेस्टेज को अवॉइड करते हुए खाना लेके उनको पहुँचाते हैं जिनको उस खाने की जरूरत है। ये कब तक चलेगा आपका जो प्रोग्राम? सर ये 30 घंटे की ड्राइव, अभी हमारा एक नुक्कड़ नाटक है डीडी मॉल में, भूख उसका शीर्षक है भूख, और उसमें हम यही दिखाना चाहते हैं कि एक्चुअल में भूख क्या और उसकी किन लोगों को खाने की जरूरत है। तो ये वो हमारा लास्ट प्रोग्राम होगा। हम लोगों ने टोटल 12 एक्टिविटीज की, 11 हमारी अभी तक हो चुकी है, 12th एक्टिविटी वो होगी और हम लोग 2 बजे वाइंड अप करेंगे। ये हम लोगों ने कल सुबह 9:30 बजे स्टार्ट किया था और 9:30 बजे से हम लोग इस चीज को अभी। दमोह के विवेकानंद कॉलोनी में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के छात्र पिकनिक मनाने गए थे। इसी दौरान 11वीं कक्षा के छात्र आशुतोष जैन की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। उधर गुस्साए परिजनों ने हंगामा कर दिया और स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। स्कूल का शैक्षणिक प्रोग्राम भ्रमण कार्यक्रम था जो सागर के लिए जा रहा था, तो मैं अपने बालक स्वयं एक्सीलेंस स्कूल दमोह छोड़ने गया था 9:15 बजे करीब, और इसके बाद 12 बजे करीब मेरे को फ़ोन आया कि आपके बालक की तबीयत ख़राब हो गई है, हम उसको भेज रहे हैं। ये नहीं बताया किसके साथ भेजा, कैसा भेजा, तो मैंने फिर दोबारा फ़ोन करके लगाया कि आप मेरे बच्चे के साथ कम से कम 5-6 लड़के तो भेजें ही, आप अकेला ना भेजें। तो उन लोगों ने जीप के माध्यम से 5 बच्चों के साथ भेज दिया, उसमें कोई स्टाफ का कोई भी कर्मचारी साथ में नहीं आया, जिससे मेरे बड़ा कितन त्रासदीपूर्ण निधन हो गया भाई, बहुत। क्या बताया डॉक्टरों ने, क्या हो गया था? डॉक्टरों ने ये बताया कि उसको पहले तो उन्होंने बताया कि ये वो हो गया है, क्या बोलते हैं, अरे उसका नाम नहीं आ रहा है, ब्रेन है मेरे, नहीं अटैक, मिर्गी टाइप का कार्यक्रम बताया, मिर्गी आ गई है, मिर्गी आई है, तो मिर्गी के कारण इसके मुंह में से झाग आ रहा है और दतौरी बन रही है,
तो फिर डॉक्टर डी एम संगतानी से मैंने लिखवाया, संगतानी जी ने बताया था इसको मिर्गी है और मिर्गी के साथ उन्होंने ट्रीटमेंट दे दिया और मिशन हॉस्पिटल में भर्ती के लिए बोल दिया। तो मैंने मिशन हॉस्पिटल में एडमिट किया, इसी दौरान मैंने उन्हें सिटी स्कैन का भी लिखा था। तो मैंने सिटी स्कैन कराई, सिटी स्कैन डॉक्टर संगतानी जी को दिखाने के बाद उन्होंने बताया था उसको ब्रेन हैमरेज हो गया है, 1-8% बच सकता है। पूरा होने के बाद कोई आया विभाग से? तो कोई नहीं आया, कोई भी नाम तक ना मेरे पास अभी तक फोन आया ना आने की संभावना मेरे को। आप स्वयं शिक्षक हैं, इसके बावजूद भी ऐसा कुछ नहीं है? अब यही तो मैं सोचता हूँ कितनी बड़ी विडम्बना है मेरे विभाग की। तो आनकी एक शिक्षक का भी लड़का, सबको मालूम है शिक्षक का लड़का है, इसके बावजूद भी नहीं आए। नववर्ष पर सुरक्षा की तैयारियों को लेकर डीआईजी धर्मेंद्र चौधरी ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हैं। इसके अलावा नए वर्ष में पब्लिक प्लेस, होटल आदि पर भी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। वहीं कुछ खास जगहों पर बड़े प्रोग्राम होंगे, वहां भी सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की जाएगी। सिवनी के आगरमालवा में ठंड से किसान परेशान है। शुक्रवार को कानड़ के पास गाँव जस्सा खेड़ी सुतड़ा चादन गांव में के किसानों ने बताया कि हमारी आलू की फसल पर ठंड का असर होने से वो खराब हो गई है, फसल पर बर्फ की चादर चढ़ गई है। कई किसानों ने फसल का सर्वे कर शासन से मुआवजे की मांग कही है। यदि आगे भी शीतलहर जारी रही तो चने की फसल को खासा नुकसान हो सकता है। मंदसौर मंडी में प्याज बेचने गए किसान की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान किसान की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि प्याज के भाव कम होने के कारण किसान को घबराहट होने लगी, जिसके कारण उसकी तबीयत बिगड़ी थी। प्रदेश में 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं अगले वर्ष फरवरी में होंगी, जिसके लिए समय सारणी जारी कर दी गई है। कक्षा 9वीं की परीक्षा 2 फरवरी से शुरू होगी, वहीं 11वीं की परीक्षाओं का आयोजन 1 फरवरी से शुरू होगा। परीक्षा एक ही पाली में सुबह 9 से दोपहर 12 बजे के बीच होगी। लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश के मुताबिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र स्कूलवार जिला स्तर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं फरवरी माह की शुरुआत के साथ स्कूलों में परीक्षा का दौर शुरू हो जाएगा। इससे जनवरी माह में प्री बोर्ड परीक्षा होगी। ऐसे में आधे अधूरे कोर्स की वजह से विद्यार्थियों की एक बार फिर मुसीबत बढ़ गई है। दरअसल विधानसभा चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी की वजह से स्कूलों में कोर्स पिछड़ गया है। अब एक्स्ट्रा क्लास के माध्यम से भरपाई करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बीना सिविल अस्पताल में प्रसव के लिए आई महिलाओं को महिला कर्मचारी की रुपए मांगने वाली शिकायत मीडिया से करना महंगी पड़ गई और उनकी समय से पहले ही अस्पताल से छुट्टी करा दी गई। इससे ये तो साफ हो गया है कि रुपए लेने वाले कर्मचारियों का रुतबा प्रभारी से ज्यादा है और वह खुलेआम अवैध वसूली कर रहे हैं। रुपए लेने की बात सामने आने के बाद भी प्रसूता महिलाओं से अधिकारियों ने कोई बयान नहीं लिया और उसके पहले ही कर्मचारियों ने उनकी छुट्टी करा दी। यहां अधिकारी लिखित शिकायत का इंतजार ही करते रहे, जबकि इस मामले में तत्काल कार्यवाही की जानी थी। दरअसल सिविल अस्पताल में प्रसव के लिए आने वाली हर महिला से कर्मचारियों द्वारा अवैध वसूली की जाती है, जिन पर आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है, जिसके चलते कर्मचारियों के हौसले बुलंद है। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। अगली बार फिर हाजिर होंगे कुछ और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।